नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई की, जिससे पुत्र गेंदालाल जैन की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज जारी है। घटना ताकोड़ी थाना क्षेत्र के आमा गांव की है। नक्सलियों द्वारा की गई इस खौफनाक वारदात से ग्रामीण दहशत में है। आपको बता दें कि मृतक गेंदालाल जैन की पत्नी लच्छिनबाई तीजा मनाकर महामाया गांव से कल ही लौटी थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ घर पर थी, तभी 100 से अधिक वर्दीधारी हथियार लेस नक्सली आए और पिता पुत्र को अपने साथ ले गए। घर से 200 मीटर दूर ही पुत्र की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बस्तर में सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर और अपने साथियों की प्रताड़ना से परेशान होकर एक से बढ़कर एक हार्डकोर और इनामी नक्सली खून खराबे की जिंदगी छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इस बात से नक्सली परेशान है और वे लोगों में दहशत बनाने के लिए कायराना करतूत को अंजाम दे रहे हैं। के आमा गांव में कल नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया, जिसमें पुत्र की नक्सलियों ने हत्या कर दी और जो पिता है काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो घटनास्थल जहाँ पर नक्सलियों ने पुत्र की हत्या कर दी, और ये वही घटनास्थल है जहाँ पर उसके पिता को भी घसीटते हुए नक्सलियों ने लेकर आया। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि तकरीबन 100 से अधिक जो वर्दीधारी नक्सली हथियार लैस थे वे आए और इस घटना को अंजाम दिए और उस पुत्र के ऊपर मुखबरी का आरोप लगाया। इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा इस घटना से दहशत फैला हुआ है। अंतगढ़ से जयंत कुमार रंगारी। For more information, log on to www.clips.in.